वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्याकांड को लेकर के जो एसआईटी टीम गठित की है, वो एसआईटी टीम मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उसकी जो मुखिया है काम्या मिश्रा, वो हमारे साथ है। हम इनसे बात करते हैं। मैडम क्या क्या कहेंगे, क्या किस तरह हत्या हुई और क्या स्थिति है? देखिए, नुकीले शार्प ऑब्जेक्ट से जो है उसको स्टैब करके डेथ जो है वो उसका बात सामने आया है। बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है, इट इज अराइव्ड ऑल्सो। आज हमने FSL के थ्रू भी जो है कई सारे एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं, उसके अलावा डॉग स्क्वाड ने भी आकर के कुछ कुछ लीड्स हमें प्रोवाइड किए, उन सारे लीड्स के ऊपर काम किया जा रहा है, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है, क्यूज को हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास एक पूरी प्रॉपर सॉलिड स्टोरी आ जाती है तो वो हम आपको कन्वे कर देंगे। मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब बातों को लेकर के कितने कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया? अभी देखिए, 3 लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं डिटेन करके, बाकी जैसे ही हम लोग के पास सामने आती है उसके बेसिस में अगर कोई रिकवरी होती है तो आप लोग को उसके बारे में हम लोग अपडेट कर देंगे। प्रथम दृष्टया मैडम एक चीज जो देखा गया है, एक संदूक था और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ग्लास की बात आ रही है, कई तरह की बातें आ रही है, क्या लग रहा? जैसे संदूक वहाँ पे जो है उसके पीछे एक तालाब में पड़ा हुआ था, संदूक को जो हमने रिकवर किया, उसके अंदर से जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको सीज किया गया है, और उसमें कई कुछ लैंड के पेपर्स है, कुछ पैसे से रिलेटेड पेपर्स है, तो उन सारे चीजों के ऊपर जांच चल रही है। तो अभी ये सारे क्यूज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे ही हम इनको कंस्ट्रू करके एक स्टोरी बनाते हैं या जैसे हम लोग एक स्टोरी सामने आती है या कुछ उस तरीके का आता है तो फिर हम आप लोग को अपडेट करते हैं। अंतिम परिस्थिति की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से हत्या की बात सामने आ रही है, निर्मल हत्या की जिस तरह का बड़ी प्राप्त हुआ है, देखने को मिला, ऐसी स्थिति में क्या लगता है, कोई जो जिस तरह की हत्या, कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह की हत्या कर सकता है? देखिए, हत्या काफी ग्रूसम है, जिस तरीके से हुई वो भी काफी ग्रूसम तरीके से हुई है, बाकी कौन किसने किया वो हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। तो ये थे हमारे साथ काम्या मिश्रा जो एसआईटी टीम की प्रमुख है। इन सब के बीच में आपको बता दूं कि इन्होंने सीधे तौर से कहा 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा, वही इन्होंने दावा किया है कि घटना का जल्द उद्भेदन होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि इन सबको लेकर के काम्या मिश्रा ने अपनी तरफ से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।